मैं कुछ बोलूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज, मैं आपके साथ कृतिका थपलियर। वक्त हो चला है इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर अलीगढ़ से है, जहां से आए दिन चोरी की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। अलीगढ़ में चोरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बता दें कि अलीगढ़ के जलाली में युवक ने साइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें युवक साइकिल के आसपास लगातार घूमता रहा, जैसे ही उस क्षेत्र में लोगों का आना जाना कम दिखा, वैसे ही चोर ने दिनदहाड़े घर के बाहर खड़ी साइकिल को उठा ले गए। ये पूरी घटना घर के बाहर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई शिनाख्त नहीं हासिल कर पाई है। खबर सीहोर से है, जहां के बख्तरा डोबी क्षेत्र में आए दिन लोगों को बीमारियों से परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन अभी तक उस क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ है। इस बात को लेकर बख्तरा डोबी क्षेत्र के कुछ समाजसेवी लोगों ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल एवं क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की मांग को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने बुधनी पहुँच माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी बुधनी को सौंपा है। पूरा मामला बांदा के जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां पीड़ित राधा पत्नी निंद निवासी मोहल्ला मर्दना नाका छिपछरी की रहने वाली है। बता दें कि पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय आकर आरोप लगाया है कि उन्हें करीब डेढ़ वर्ष से गैस नहीं मिल पा रही है। एजेंसी वाले कह रहे हैं कि पहले हमें 3600 रुपये जमा करो, तब तुम्हें गैस मिल पाएगी। इसके अलावा उन्होंने महिला को धमकाते हुए कहा कि तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, चाहे हमारी शिकायत करनी हो करो, जब तक हमें तुम रुपया नहीं दोगी तब तक तुम्हें गैस मुहैया नहीं कराएंगे। क्या नाम है आपका? राधा देवी। मर्दाना का मनोहरी गंज टेरी मोहल्ला से। किस समस्या के लेकर के आप लोग? गैस नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि हम गैस अभी नहीं दे रहा है, जो कुछ करना हो पहले 3600 रुपये मांग रहे हैं। नीतू एजेंसी में, एजेंसी वाले। फ्री वाला गैस है? हाँ फ्री वाले जी सर। नहीं मिला, नहीं मिला। बोल रहे हैं 3600 रुपये दे दो तो डबल कनेक्शन ले लो। मैं कहूँ हमें नहीं लेना डबल, हमारे सिंगल दे दो, धंधा पाई नहीं चल रहा भैया। तो कहा नहीं हम देंगे नहीं, डेढ़ साल से ऊपर हो गए भैया। आज आप लोग कहाँ पर आए हैं? इधर आए हैं, डीएम साहब से मिलने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें गैस मिल जाए, हम बहुत गरीब आदमी हैं भैया। खबर सिरमौर से, जहां के दीनदयाल पार्क में हजारों क्षेत्रीयजनों की उपस्थिति में किसानों सहित आम लोगों की समस्याओं को लेकर जनसभा आयोजित की गई है। इस सभा में संगठन द्वारा जनहित के प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं सभी को नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्षेत्र में भी बातें हुई है। पत्रकार वार्ता के माध्यमों में जन जागरूकता व प्रचार प्रसार करने का पूर्व में काम किया गया है। आज सिरमौर में इसलिए सभा की गई है कि सबसे ज़्यादा पानी का संकट सिरमौर में, सबसे ज़्यादा जल भरत का क्षमता सिरमौर में, फिर भी हम कहीं ना कहीं लूटे पीटे की तरह है। सिरमौर हमारा बिंद क्षेत्र का सिरमौर था, आज इसकी अस्मिता खतरे में है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रवृत्त देश हैं कि हमारा बिंद हमें लौटाओ, गोबर प्लांट लगाओ, सैनिक आयोग का गठन कराओ, पुरानी पेंशन बहाल कराओ, राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराओ के साथ साथ स्थानीय उद्योगों में 70% रोजगार हमारे नौजवानों को दिलाओ। गोबर प्लांट अगर लगेगा तो घर घर आमदनी का जरिया बनेगा, बेरोजगारी दूर होगी, गौवंश की रक्षा होगी, एक्सीडेंट में कमी आएगी, गोधन योजना का प्रचार और प्रसार हो जाएगा, इसके साथ ही बोनी का रकबा बढ़ेगा, आयरा प्रथा बंद हो जाएगी, नाना प्रकार के इसके फायदे हैं। इससे बनने वाले डिस्टेंपर बनेगा, जैविक खाद बनेगा, प्लास्टिक बनेगा, अब तो जूता चप्पल भी बनने लगा है, बैग बनेगा और अनेक तरह का इस गोबर प्लांट से लाभ है। जो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जो हमने प्रारंभ कराया था वो मध्य प्रदेश में भी हो, मगर खेत का विषय है कि बिंद क्षेत्र जो पूरी सरकार को चलाता है, मध्य प्रदेश सरकार को, यहाँ को उपेक्षित कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि गूंगे बहरे हैं, यहाँ के जनपति जो है पराजित है, पराया जीवन पर निर्धारित है। ऐसे स्थिति में सिरमौर हमारा ऐसा एक प्रमुख जगह है जहाँ घाट के नीचे घाट के ऊपर तिलहन दलहन का भंडार हुआ करता था, आज ऐरा प्रथा के कारण, आवारा पशुओं के कारण हम एक एक दाना के लालायित है। इस स्थिति में बहुत सारे बात है, जो फर्जी लोग आके यहाँ फर्जी घोषणा करते हैं
सिरमौर में यहाँ नगर पंचायत में बैठे लोग भर्रासाई कर रहे हैं, डुप्लीकेट नियुक्तियाँ कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, इन तमाम बातों के लिए हम आज सिरमौर में जन्म सिता यात्रा। महिलाओं का भी सम्मान किया गया, महिलाओं का इसलिए कि नारी शक्ति का सम्मान के बिना तो कोई सम्मान है नहीं। आज आपने देखा कि यहाँ इतनी संख्या में महिलाओं को भी यहाँ सम्मान हुआ है, वीर नारियों का सम्मान हुआ, वीर पिता का सम्मान हुआ है। सम्मानी चौथे स्तंभ के लोग जो जोखिम भरे अपने ज़िंदगी के साथ लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, उनका भी सम्मान मीडिया के तमाम प्रिंट और सर। क्या खबर रायबरेली से है, जहां सीवर टैंक की सफाई कर रहे 3 सफाई कर्मचारी टैंक में जा गिरे। काफी घंटों से उन्हें बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी तक कर्मचारियों को टैंक के बाहर नहीं निकाला जा सका है। वहीं इस घटना के बाद स्थान पर लोग भारी मात्रा में जमा हो गए हैं। सभी लोग कर्मचारियों को टैंक से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद कर रहे हैं। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मनिका रोड के पास का है। सर क्या पर्ची आपका, क्या नाम है? नाजीपुर सभा। सर आज क्या हुआ यहाँ पे, कैसे? यहाँ सीवर बना हुआ नया, अभी चालू हुआ नहीं है, मनका रोड, और इसमें जो बीच बीच में जो कचरा आ गया उसे खोलने के बाद खोला गया सीवर पूरा। जब खोला गया तो नीचे उतरा और गैस आ गया, गैस दोनों आदमी बेहोश हो गए कि मर गए, ये नहीं मालूम। 20 फुट गड्ढा ही है। 2 सफाईकर्मी थे? सफाईकर्मी का ही नहीं कि विभाग थे, एनएच वाले, ये जो नाला का ठेका लिए सीवर का। लगभग कितने लोग गए अंदर? 2 लोग। 2 लोग अभी मिलने की संभावना नहीं है? लोग संभावना नहीं, सब लोग देख रहे हैं, कोई अंदर जा नहीं रहा। सर क्या पर्ची आपका, क्या नाम है? नाजीपुर सभा। सर आज क्या हुआ यहाँ पे, कैसे? जहां दिनांक 28 मार्च को मां कर्मा बाई जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे मां कर्मा बाई मंदिर में पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद साहू धर्मशाला से विशाल शोभा यात्रा धूमधाम से नगर भ्रमण के लिए निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शोभा यात्रा से युवाओं में जमकर मां कर्माबाई के जयकारे लगाए। वहीं शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस साहू धर्मशाला पहुंची, जहां पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में इस वक्त एक बाबा जी चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें कि बाबा यूपी बहराइच के छोटी तकिया चिक्कीपुरा में अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं, जिनसे मिलने वालों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों का मानना है बाबा जी की दुआओं से लोगों की समस्या ठीक हो रही है, इसीलिए भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं बात की जाए भीड़ की तो क्षेत्रियों के साथ ही कई जनपद व पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग बाबा जी से मिलने पहुँच रहे हैं। नेपाल से भी यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग जनपदों से, अलग अलग पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लगातार जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। बाबा जी लगातार जो है, लोगों का कहना है कि उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं उनका निदान कहीं ना कहीं हो रहा है। तकिया चिक्कीपुरा में अपना स्थान जो है, एक यूपी में बहराइच के एक छोटी तकिया चिक्कीपुरा में अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं, जिनसे मिलने वालों की भीड़ लगातार सामने आ रही है, लगातार लोग मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा जी जो है समस्या। हमारे साथ बहराइच से अजमल शाह इस वक्त जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे अजमल जी? के मोहल्ला चिक्कीपुरम में पिछले 3 महीनों से बाबा जी जो चर्चा में बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि ये बाबा के हाथों में शिफा है। लोगों का कहना है कि बाबा जी की दुआओं से लोगों की समस्या ठीक होती है। ये आपको मैं बता दूं, इसलिए बाबा के पास पिछले कई दिनों से इतनी भीड़ जमा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि लगभग सैकड़ों की तादाद में सुबह से लेकर और शाम तक भीड़ जमा रहती है, और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, और कि उनका कहना है कि कोई भी कैसा भी मर्ज हो, दादा के पास, बाबा के पास आता है और बाबा उसको फूंकते हैं या जो भी करते हैं, उनको शिफा मिलता है बाबा से। लोगों के आने का सिलसिला कब से जारी है वहां पर, और कहां कहां से लोग वहां पर आ रहे हैं, और किस तरह की समस्याएं जो है बाबा जो है वहां पर सॉल्व कर रहे हैं लोगों की? जी आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 महीने से ये बाबा जी बहराइच की कई ऐसे आस्थानों पर जाते थे, जो दरगाह कहा जाता है, कई ऐसे दरगाहों पर जाते थे,
और वहां पर चादर पोशी और अगरबत्ती का जलाते थे, अगरबत्ती को जलाते थे, चादर पोशी खुद करते थे। और ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे जब ये एक बाबा ने एक को फूका, दो को फूका, ऐसे ही वो खबर आग की तरह फैल गई। और आज के अगर पिछले कई हफ्तों की बात करें, दो तीन हफ्तों की बात करें, तो लगभग सैकड़ों की तादाद में कई हफ्तों से सुबह से लेकर शाम तक तांता लगा रहता है लोगों का मिलने का सिलसिला। लोग बताते हैं कि सुबह आते हैं तो शाम में वो मिल पाते हैं और शाम वाले सुबह मिल पाते हैं और रात के लगभग 3-4 बजे तक बाबा देखते हैं। अच्छा, रात की 3 और 4 बजे तक। कितने लोग तकरीबन वहां पर आ पाते हैं, भीड़ किस तरीके से रहती है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं और किन किन समस्याओं की बात, अगर बात समस्या की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि लगातार समस्या वहां पर जो है बाबा सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरीके की समस्या, बीमारी की समस्या है, घरेलू की समस्या? निश्चित रूप से लोगों का कहना है कि बाबा जी की दुआओं से लोगों की समस्या जो है वो ठीक हो रही है, इसलिए बाबा के पास भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं बात अगर की जाए कि क्षेत्र के अलावा जो बाहर अन्य जिलों, पड़ोसी जिलों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क से भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आपको बता दें, बाबा यूपी बहराइच के छोटी तकिया चिक्कीपुरा में अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं, जिनसे मिलने वालों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि लगातार जो लोग सुबह आ रहे हैं उनको वो शाम को कहीं ना कहीं बाबा से मिल पा रहे हैं, तो आप अंदाजा कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि लगातार भीड़ कितनी ज्यादा है। हिंदुस्तान से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें, मिलने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जो लोग सुबह आ रहे हैं वो शाम को यहाँ पर बैठते हैं, मिल पाते हैं उनसे। जी बताएं, आज आप लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय आपसे धरना देने आए हैं, क्या मामला? बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगवां सदात तहसील परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दिवसीय मासिक बैठक की। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ये बैठक की है, जिसमें गन्ने के भुगतान को लेकर सरकार ने वादा किया था कि गन्ने का भुगतान सिर्फ 15 दिन में किया जाएगा और आवारा पशुओं से किसान परेशान है। काफी मेहनत के बाद किसान अपनी खेती करता है, उसके बाद आवारा पशु खाने के साथ साथ उसे काफी बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान को भारी नुकसान होता है। हमारी मांग है कि ब्लॉक स्तर पर गौशाला का निर्माण हो और आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिल पाए। इसके साथ सतपाल सिंह किसान नेता ने बताया कि हमने SDM को ज्ञापन सौंपा है और 1 महीने के अंदर समस्याओं का निदान की मांग की है। मैं सत्यपाल सिंह जिलाध्यक्ष अमरोहा से भारतीय किसान मोर्चा भारी से हूँ। आज नौगामा सादात तहसील पर ये हमारी मासिक सभा चल रही है, इसमें हमारी विभिन्न समस्याओं को लेकर ये बैठक की जा रही है कि 1 महीने के अंदर जो हमारी किसानों से समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को बुलवाया जाता है और बैठ करके समाधान किया जाता है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं मुख्य है आपकी? जैसे कि अब गन्ने का सीजन चल रहा है, गन्ने के सीजन में जो सरकार है हमारी बनी हुई, तो उसमें ये तय हो गया था कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन 1 महीना पीछे, कहीं 2 महीना पीछे, इस तरह से जो मिल चल रही है और 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात इन्होंने अभी तक नहीं किसानों तक पहुंचाई और 2-3 महीने तक पीछे रह जाती है। दूसरा मुद्दा हमारा ये आता है कि जो आवारा पशु हैं, छूटे हुए पशु हैं, वो किसानों का इतना नुकसान कर रहे हैं कि जो हमने बहुत लागत और मेहनत के साथ में खेती पाली है, मेहनत लगा करके रात दिन उसको रखा रहे हैं खेत में, एक मंडैया जी डाल के, चारपाई डाल के रखा रहे हैं और वो खा जाते हैं पशु, और जो खाने से जाते हैं वो खून करके उसका नुकसान कर देते हैं। तो हम भारतीय किसान एवं भानु संगठन ये आवाज़ उठाता है और मांग करता है सरकार से, राज्य सरकार से, कि आवारा पशुओं का या तो पंचायत स्तर पर गौशाला बनवाई जाए या फिर इनके लिए सरकार कुछ ना कुछ ऐसा सोचे ताकि हमारा किसान सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विवेकानंद पार्क में संयुक्त मोर्चा का धरना आंदोलन और पैदल महारैली का कार्यक्रम संयोजक गणेश तिवारी के आयोजक सब में हुआ। संयुक्त मोर्चा के घटक राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सोहगौरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के संघर्ष का इतिहास है। कर्मचारी को जब कभी भी कुछ प्राप्त हुआ है वह संघर्ष से ही मिला है। पुरानी पेंशन को भी हम सभी एक होकर लड़के प्राप्त करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कर्मचारी उपस्थित रहे।
जी बताएं, आज आप लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय धरना देने आए हैं, क्या मामला है, क्या मांग? आज पूरे मध्य प्रदेश के 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसी के तत्वाधान में पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आज सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तत्वाधान में रीवा जिले में भी कार्यक्रम हुआ। क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोगों की मांग है 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उसके साथ साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दे करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनके तीन तीन नियुक्ति दिनांक हैं। पहले नियुक्ति दिनांक विद्यालय में उपस्थित होने के दिनांक, दूसरी संविदा से अध्यापक बनने के दिनांक 1/7, तीसरी राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त होने के दिनांक 1/7/2018। आज की डेट में पोर्टल में हम लोगों की नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 दिख रही है, जिसके कारण से सभी अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की सेवाएँ 2018 के पहले की शून्य हो गई हैं। हेलो, मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश है कि जैसे अभी तक जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते रहे हैं उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही सेवा की गणना होती रही है, हम लोगों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक यानी अपने कार्य में उपस्थित होने के दिनांक से की जाए एवं अध्यापक बनने के दिनांक और राज्य शिक्षा सेवा में आने के दिनांक 1/7/2018 को संविलियन लिखा जाए। साथ में जो हम लोगों की एनपीएस दी गई है न्यू पेंशन स्कीम, इसमें से वर्तमान में जो रिटायर हो रहे हैं उनको जो पेंशन मिलती है उससे लोग एक गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा अन्याय नहीं हो सकता। वृद्धावस्था जो पेंशन है 60 साल के लोगों की वो शायद उससे अधिक है, 1200 रुपये और शासन और बढ़ाने जा रही है, इससे ज़्यादा क्या अत्याचार हो सकता है। और साथ में अभी जो यूक्रेन और इसका युद्ध चल रहा है रूस, उसमें से हम लोगों के एनएसडीएल की राशि जो है एक हफ्ते के दौरान 20,000 से 30,000 लगभग डाउन हो गई है। भविष्य में क्या होगा इसके लिए हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए निवेदन ये है। आपकी पूरी नहीं होगी तो अभी क्या आगे क्या करना है? आगे 3 अप्रैल को पूरे प्रदेश के समस्त कर्मचारी भोपाल भरेंगे। ये हम लोगों का एक संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पूर्ण नियोजित कार्यक्रम। देवरिया शहर के एक निजी मैरिज हॉल में शुभांकर कोचिंग के तत्वाधान में जीके प्रतियोगिता और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक और स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में शुभांकर कोचिंग के डायरेक्टर राम तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया सीडीओ रविंद्र कुमार रहे। आपने वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया, बच्चों के प्रति आपने काफ़ी उत्साहवर्धन था, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर, ये शुभांकर कंप्यूटर की तरफ से ये आयोजन किया गया था और इसमें हमें मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है और उनके हम बहुत आभारी हैं कि हमें इस तरह का मौका मिला और बच्चों के बीच में आके मुझे फर्स्ट प्राइज दे के बहुत खुशी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? हम मेरा नाम अली शेर अली है और फर्म का नाम है जेके कंप्यूटर्स और हम रहने वाले हैं साकेत नगर। राम तिवारी, प्रबंधक शुभांकर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। हमारे वहाँ इंस्टीट्यूट का वार्षिकोत्सव किया गया जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हम लोगों ने पहले 600 बच्चों का स्कॉलरशिप एग्जाम करवाया था जिसमें फर्स्ट प्राइज कंप्यूटर, सेकंड प्राइज मोबाइल और थर्ड प्राइज साइकिल दिया। उसमें हमारे वहाँ एनुअल फंक्शन में बच्चों ने डांसिंग सिंगिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे फर्स्ट प्राइज जो कि हमारे एक सहयोगी मित्र जेके कंप्यूटर की तरफ से दिया गया, ये हमारे सर हैं जेके सर। आप बच्चों में किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम बच्चों में सभी बच्चों को लगभग मैं अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, जिस बच्चों को ज्वाइन करना है आके ऑफिस पे ज्वाइन करें। हमारे वहाँ हमारे प्रोग्राम में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे दोनों स्टार फैकल्टी राजन सर और अनुशील सर ने काफ़ी योगदान किया। हमारे साथ देखते रहिए केकेटी न्यूज़।